और छठवा वर मांग रहे हैं, सोई रहाने कौन सी रहाने, संत रहाने। वो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, कब हुक हो यही रहन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, कब हुक हो यही रहन रहोंगो। मुझे संत रहने चाहिए, जैसे संत महात्मा रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसा रहने मुझे भी प्रदान करें। भगवान ने शत्रुपा जी को 6 वर दिया, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। एक बात और ध्यान रखेंगे, महाराज मनु जी ने भक्ति का वर मांगा है और शत्रुपा जी ने ज्ञान का वर मांगा है। जबकि दोनों जब चलते थे तो कैसे लगते थे, मनु जी ज्ञानी से लगते थे, शत्रुपा जी भक्ति जैसी लग रही थी। लेकिन जब मांगने का समय आया तो परिवर्तन हो गया, इन्होंने भक्त वाला वरदान मांगा है महाराज मनु ने, और शत्रुपा जी ने ज्ञान का वर मांगा है। आपको मैं बताऊंगी अगले प्रसंगों में कि ये जब जन्म लेते हैं, जन्म में तो मनु शत्रुपा में मनु जी ही ज्ञानी थे, शत्रुपा जी भक्त थे, लेकिन जब ये दशरथ कौशल्या बने तो परिवर्तन हो गया। दशरथ जी भक्त बन गए थे, शत्रु कौशल्या जी जो है ज्ञानी बन गए थे। तो महारानी को शत्रुपा जी ने 6 वरदान मांगे, महाराज मनु जी ने 1 वर मांगा। अब महाराज मनु जी ने विचार किया, हमारी देवी जी ने तो एक साथ में 6 वरदान मांग लिए, एक आध दो और हम मांग ले तो कम से कम इनके आधे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो महाराज मनु बोले, प्रभु एक और दे दीजिए, क्या चाहिए। महाराज मनु जी कहते हैं, सुत विषय के तब पति रत हो, मुहे बड़ मूढ़ कहे किन को, आप मेरे घर में पुत्र बन करके आएंगे, मैं आपके चरणों में इतना प्रेम करूं कितना, जितना एक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, जितना एक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है उतना प्रेम मैं आपके चरणों में करूं। भगवान ने कहा, आप मेरे चरणों में प्रेम करेंगे, मेरे चरणों का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मेरे चरणों को देखेंगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। एक ऐसा पिता है जो पुत्र के चरणों का चिंतन कर रहा है। महाराज मनु जी कहते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सुत विषयक तब पदिरत हो, अब मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मुझे इसमें कोई मूर्ख कहता है तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। और सच में आप देखेंगे, जब मनु जी दशरथ बन करके आए तो दशरथ जी राम जी के चरणों का चिंतन करते हैं। आप कहेंगे इसका प्रमाण तो बाल कांड के समापन में आप देख लीजिए, जब जनकपुर से चारों राजकुमारियां अयोध्या पहुंचे, महाराज श्री दशरथ महारानियों से मिल करके जब अपने रात्रि के समय विश्राम कक्ष में जाते हैं तो महाराज श्री दशरथ जी क्या कहते हैं, किल्लारे का आश्रम ते नींद बसे शयन कराव हो जाए, अस कहगे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, लड़का जो है बड़े नींद में है, शयन कराओ और राम जी के चरणों में अपना चित्त लगाकर चिंतन करते हुए अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं। तो यहाँ मनु जी महाराज ये वरदान मांगते, सुत विशिष्ट पदरत हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको, एक ही वरदान। तीसरा वरदान और मांगते, क्या, आप मेरा बेटा बनकर मेरे घर आएंगे, मैं आपसे इतना प्रेम करूं। भगवान बोले, कितना? बोले, जितना मछली जल से करती है सर्प मणि से करता है, इतना प्रेम। मणि बिन फणे जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे जल से मछली को निकालते हैं प्राण त्याग देती है, सर्प से मणि अलग हो जाती है तो सर्प अपने प्राण त्याग देता है, अगर मेरा भी आपसे वियोग हो तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूं, इतना आपसे प्रेम को। भगवान ने कहा, ठीक है, ये भी वर दिया। महाराज मनु जी को 3 वरदान भगवान ने दिए हैं, शत्रुपा जी को 6 वरदान दिए हैं, और इनको वरदान देने के बाद भगवान
कहते हैं मेरे बगल में जो खड़ी है सीता जी, आदि शक्ति जिहि जग उपजाया, सो अवतर है मोर यह माया, ये मेरी माया है, इनका भी प्रकट होगा मेरे साथ साथ धरा पर, मैं आपका पुत्र बनूंगा, इनका भी अवतार होगा, फिर हमारा विवाह होगा। सीता जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? यहाँ मनु जी महाराज खड़े हैं, महारानी शत्रुपा जी हैं, किसी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, हम क्यों जाएंगे? आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए, तो आप जाइए। भगवान ने कहा अगर आप अवतार नहीं लेंगे तो हमारी लीला पूरी कैसे होगी? क्यों? इसलिए कि जब मैं इनका पुत्र बनकर इनके घर जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तो मेरे माता पिता कहेंगे बेटा बड़ा हो गया, विवाह कर दे, और जब विवाह का समय आएगा तो बताओ आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे शादी करेंगे? इसलिए तो आपको तो चलना पड़ेगा ना। सीता जी ने कहा देखिए हमें किसी ने बुलाया नहीं, आप कहते चलो तो ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? आप भी जब हमारे घर में हमसे विवाह करने आएंगे हमारे पिता के यहाँ, तो आपको भी बिना बुलाए आना पड़ेगा। हमारे पिताजी आपको निमंत्रण नहीं देंगे, बिना बुलाए हमारे पिता के घर आपको आना पड़ेगा, हमसे विवाह करना पड़ेगा, इसलिए अगर ये शर्त मंजूर है तो हम चलेंगे। राम जी ने कहा ठीक है सीते, आप चलो धरा पर, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके पिता के घर में बिना निमंत्रण के ही जाएंगे। और सच में राम जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले गए और उनका विवाह भी हो जाता है। तो यहाँ माता सीता जी भी अवतार लेंगी महाराज मनु के सामने, प्रभु श्री राम ने कहा, और दोनों को वरदान दिया। वहां से भगवान चले जाते हैं, राजा रानी कुछ दिनों तक आश्रम में रहे, वहीं पर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, और फिर यही राजा रानी दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट होते हैं, और इन्हीं के घर में भगवान का प्रकट होता है। तो कल जो है आप लोगों को भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा सुनाई जाएगी, कल राम जन्म का प्रसंग आपको सुनाया जाएगा, भगवान का अवतार कब और कैसे हुआ महाराज श्री दशरथ के यहाँ, और कैसे आनंद हुआ, कैसे बधाई बजी, कैसे सब अयोध्यावासी नृत्य करते हैं, कैसे गीत गाते हैं, इत्यादि सारी कथाएं आपको प्रभु श्री राम के जन्म की कल सुनाई जाएंगी। भगवान शंकर देवी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर सत्संग में यह दिव्य कथा सुना रहे हैं कि भगवान श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ। आपने जो पूछा है कि राम जी का जन्म पुनः प्रभु कहा वो राम अवतारा, बाल तृत पुनः कहा वो दारा, तो भगवान का अवतार का कारण ये है। अब अवतार कैसे लिया ये मैं आपको कल बताऊ। सत्संग में ही भगवान की कथा सुनने को मिलती है। आप लोग कल भी बड़ी संख्या में आए, एक श्रोता पांच श्रोताओं को लेकर आए तो आप आएंगे, उसका फल तो आपको मिलेगा ही, और जो पांच को लाएंगे वो कथा सुनेंगे, उसका फल भी लाने वाले को ही मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल आए और भगवान के जन्म की कथा का आनंद लें, दृश्य का भी आनंद लेंगे। आइए मेरे साथ भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन सभी लोग गाएंगे, फिर सुलेखा भजन आपको सुनाएगी, इसके बाद आरती, फिर प्रसाद। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता
एक बात ध्यान रखेंगे, रात्रि में दिव्य रासलीला का भी आप लोग दर्शन करेंगे, और अभी जो है आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। हमारे बाबूजी ने बहुत दिव्य व्यवस्था की है, बड़ा सुंदर प्रसाद भी आप लोगों को मिलेगा, उसका भी कथा के बाद प्रसाद जरूर लेना चाहिए, आरती प्रसाद। श्री उषा रामायणी जी के मुखारविंद से भगवान श्री राम की बड़ी ही मंगलमयी कथा आप सभी लोगों ने श्रवण किया। कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम छड़वंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मानव शरीर दुर्लभ है और यह सत्संग भी दुर्लभ है, और भगवान की कृपा है कि ये सत्संग प्राप्त हो रहा है। संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, वो जा रहे थे तो एक आदमी मिला उनको रास्ते में। उसने कहा, महाराज जी आप हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं, हमें भी बताएं, हमारा तो ध्यान टूट जाता है। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा, संसार से अपना ध्यान हटा लो, प्रभु में मन लग जाएगा, लेकिन एक बात है और जो मूल बात है उसको मैं आज के सातवें दिन आपको बताऊंगा, सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वह व्यक्ति भक्त जो था वो गया घर पर और अपने जीवन को सुधारने के लिए अनेक प्रयास करने लगा। संत वह भक्त अपने पुत्र को बुलाया, पुत्री को बुलाया, बहू को बुलाया, परिवार वालों को बुलाया और कहा, अब तुम सब लोग गृहस्थी को संभालो, मेरा जीवन आज के सातवें दिन नहीं रहेगा। और वो भगवान के भजन में लग गया। सातवें दिन उसकी जिज्ञासा थी, लौट करके वापस आया संत एकनाथ जी महाराज के पास और चरणों पर गिर गया। कहा, महाराज आप हमें बताने की कृपा करें। संत एकनाथ जी महाराज ने कहा, भक्त अब तो तू स्वयं समझ गया होगा, तू मृत्यु के एक एक पल सुधारने के लिए अपने जीवन को अपने समय को भगवान के चरणों में लगा दिया और आज तू यहां आया, उसी तरह से मेरे मन को तू जान गया होगा कि मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे हमेशा लगा रहता है। तो हम सबको अपने मृत्यु के प्रत्येक क्षण को सुधारने के लिए अपने मन को भगवत कार्यों में भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। बड़ा ही सुंदर वक्तव्य श्री राम कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण किया और आप सब से आग्रह है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज इस कार्यक्रम का तृतीय दिवस है और मात्र 6 दिवस शेष हैं, तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आवें। कल श्री राम जन्म की कथा श्रवण करने को मिलेगी, बधैया होगी, जन्म महोत्सव भी भगवान का मनाया जाएगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, अपने आवें, अपने इष्ट मित्रों को साथ में ले आवें और बड़ी ही दिव्य प्रखर वक्ता के द्वारा हमारी पूज्या दीदी जी के द्वारा सुंदर कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। सीताराम, आप सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं, श्री सीताराम जी की आरती का दर्शन करें। हरि ओ महाचंद्रमा मन सो जात चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निराजायत इदगं हविः प्रजननम् मे अस्तु दश वीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसान्यलोकसान्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो स्मा सुधत्त। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी सारद सुख सरी
कले वेणु करे कंकणम शरवांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाल परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम हरि ओम। हस्ति साक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंगल मंत्रान पठेयुः। हरि ओम माम देवः शांतेरान्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिः वानस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वत्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षामा शांतिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम उमामहेश्वराभ्याम् नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाम् ओम शचीपुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम आस्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवता एतत् कर्म प्रधान देवता भगवान श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मंगलमूर्ते नमः। ओम हनुमते नमः। शुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य दिगटो विघ्ननाशो विनायक विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीन प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थं जन्म भूमि हनुमन्तं नागेशं सरयोषु लक्ष्मणं वेण तीर्थं च वंदे हाटक मंदिरम् साक्षत पुष्पं समर्पयामि मंगलमूर्तये नमः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान श्री सीताराम भगवान का ध्यान करें। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै शाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। साक्षत पुष्पं समर्पयामि हाथ में पुष्प लेकर श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याह क्लिष्टकर्मणा हनुमान शत्रुसैन्यानां निहन्त मारुतात्मजः। ॐ हं हनुमते नमः। पुष्पं समर्पयामि मंगलमूर्तये नमः। हरि ओं मां त्रिपादो द्वौ दैत्यपुरुषाः पादोषेह भवकुनः ततो पिघ्वं व्यक्रामस्साशनानसनेयभिः पादयोः पाद्यमस्त्योर्गमुखयाचमनिम् सर्वाङ्गीष्णान्यं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनम्। ओम त्वं गंधर्वाय खानस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहदवादेः त्वामोक्षदे सोमो राजा विद्वान्क्षमादमुच्यत अक्षतां समर्पयामि। ओम अक्षन्नामे मदन्तह्यवप्रिया अधोकता अस्तोकतस्वभानव विपरानाविष्टायामादि योजानवृन्दते हरिः।
अलंकरणार्थ यक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओम गौधरे प्रतिमोदधवाम् पुष्पवने प्रसूवरे अश्वा इव साजितवारेर्वीरुधाः पारयिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मङ्गलमूर्तये नमः ॐ हनुमते नमः। मंगलमूर्तये नमः पुष्पमालां समर्पयामि सीतामुदारचरितां विदुषाम्बुवष्णुम् ओम वनस्पतिरसोद्भूत गंधाढ्यो गंधोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां प्रतिगृहीयतां सीतामुदारचरितां विदुषाम्बुविष्णुम् वंद्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं हेमैरनैकवणु रंजितकोटिभासै भूषाचैरनुदिनं सहितं नमामि। ओम वनस्पतिरथोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीयतां श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मंगलमूर्तये नमः ओम हनुमते नमः। दीपं दर्शयामि हरि ओं मा चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजात श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निराजायत ओं ईदघुं हवि प्रजननां मे अस्तु दसवीरघुं सर्वगणघुं स्वस्ताय आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशान्यभयशानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करो त्वन्नं पायोरेतो अस्मासुदत्त। दीपं दर्शयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मंगलमूर्तये नमः हनुमते नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ओमनाभ्यासीदन्तरिक्षकुंशेष्णोदो शमव्रततापदभ्यां भो निर्देशः श्रोत्रा तथा लोकानकल्पयन् त्वङ्ग्रहाण
शीतलीकरणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् तेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन् गोविन्द के गुणे काले गोविन्द के Thank you.
MDH किचन किंग मसाले को